दोस्तों, हम सब बचपन से इतिहास की किताबें पढ़ते आए हैं। एग्जाम्स के डर से किताबों में दी गई तारीखों को रट लिया, ढेरों ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ ली और एग्जाम होने तक उन्हें जी जान से याद भी रखा। लेकिन इस भाग दौड़ और कंपटीशन ने हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम सोच पाएं कि आखिर इतिहास है क्या। क्या सिर्फ जो किताबों में है वही इतिहास है या उसके आगे पीछे भी कुछ है। सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर ये लिखा ही क्यों गया है। लिखा भी गया तो ये कैसे तय किया गया कि कौन सी घटना लिखनी है और कौन सी नहीं। आप सुन रहे हैं अनबाउंड स्क्रिप्ट और आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सच तो ये है कि इतिहास को कभी किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यहाँ हर विषय का अपना इतिहास है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या कोई और क्षेत्र। ऐसे देखें तो हमारे आसपास घट रही सभी घटनाएं बीतते समय के साथ पास्ट हो जाती हैं और हमारा पास्ट ही तो इतिहास होता है। फिर सवाल उठता है कि विषय की तरह किताबों में लिखे इतिहास और हमारे बीते समय में आसपास घटी घटनाओं में क्या फर्क है। आखिर क्यों किताबों में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं का ही जिक्र होता है। दरअसल इन सवालों का जवाब खुद इतिहास शब्द की परिभाषा और उसको तय करने के पैमानों में छुपा है। आइए विस्तार से जानते हैं। असल में इतिहास तीन शब्दों का मेल है, इति जमा ह जमा आस, जिसका मतलब है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अतीत की ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी और जिनके सबूत हमारे पास वर्तमान में भी मिल गए हों, ऐसी घटनाएं इतिहास हैं। इतिहास का अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री, उसका भी मतलब यही होता है। हिस्ट्री यानी यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका मतलब है छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी मिलती है उसे ही हिस्ट्री कहा जाता है। इसी शब्द से मिलते जुलते हिस्टोरिका नाम की एक किताब है। इसके लेखक यूनान के ही हेरोडोट्स हैं। इस किताब को ही पहली ऐसी किताब माना जाता है जिसमें इतिहास की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसी वजह से हेरोडोट्स को इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इस तरह इतिहास के दायरे में सिर्फ वही घटनाएं और सूचनाएं आती हैं जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं जो अपना सबूत छोड़ने में नाकाम रही या समय के साथ जिनके सबूत मिट गए, वो आज इतिहास के दायरे से भी बाहर हैं। अब जानते हैं उन बातों के बारे में जो किसी घटना को इतिहास बना देती हैं। दोस्तों, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का अस्तित्व लगभग 2 लाख वर्ष पहले और भारतीय सभ्यता को मोटे तौर पर 5,000 साल पुराना माना जाता है। ऐसे में जाहिर है कि इतने सालों में बहुत सी छोटी बड़ी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन जब हम किताबों में इतिहास पढ़ते हैं तो इतने लंबे पीरियड में समय समय पर रहन सहन से जुड़ी और विशेष घटनाओं का ही जिक्र पाते हैं। तो दरअसल इसके पीछे की वजह है किसी घटना को इतिहास के दायरे में लाने वाले पैमाने। हमने इतिहास की परिभाषा में जाना कि अतीत की किसी भी घटना को इतिहास के दायरे में लाने के लिए सबूत जरूरी है। ऐसे में इन सबूतों को भी तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है रिटेन एविडेंस यानी कि लिखित सबूत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों की लिखी किताबें। इन तीन कैटेगरियों के अंदर भी सब कैटेगरी है, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अवशेष, स्क्रिप्ट यानी अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, और इसके अलावा सिक्के और मूर्तियां हैं। इसी तरह लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक सबूत हैं, जिसमें तमाम धर्म ग्रंथ और इतिहास की दूसरी किताबें हैं। वहीं विदेशी यात्रियों के विवरण में हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, डायोनिसियस, प्लिनी, फाहयान, वेनसांग, इतिसिंग, अल्बरूनी, इब्न बतूता जैसे यात्रियों की किताबें इतिहास लिखने में मदद करती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इतिहास का पूरा टाइम पीरियड और सोर्सेस के बीच क्या संबंध है। हमने अभी जिन सोर्सेस की बात की, दरअसल उसी की बेस पर इतिहास के पूरे टाइम पीरियड को बांट दिया गया है।
इसके पीछे मंशा ये है कि लोग और बेहतर तरीके से इतिहास को समझ सकें। जो लोग आज भी हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं उन्हें भी सहूलियत हो। तो इसमें पहला नंबर आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। अब जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड उस टाइम पीरियड को कहा गया है जिसमें हमें किसी भी तरह के लिखे हुए एविडेंस नहीं मिलते हैं। इस टाइम के सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही मिल पाते हैं। हम सब ने अपने स्कूल कोर्सेज में स्टोन्स यानी पाषाण काल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इन स्टोन एज को ही असल में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पीरियड की यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। दोस्तों ये वो टाइम पीरियड है जिसमें लिखित सबूत मिलने लगते हैं, पर आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है कि उनमें आखिर क्या लिखा है। आप सब ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर सुना होगा। इस सभ्यता को इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। इस समय तक भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट को पढ़ने पर कई रिसर्च चल रहे हैं और सालों से बहुत से रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सभ्यता की लिखावट को कोई पढ़ नहीं पाया है। अब इसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेज भी मिलने लगते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय के साहित्य में जो लिखा गया उसके सबूत जमीन पर भी मिल जाते हैं। इस टाइम पीरियड की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इस तरह हम इन तीन भागों को देखें तो साफ हो जाता है कि अतीत की घटनाओं में कौन सी घटना इतिहास की किताबों में जगह पाएगी और इसके क्या पैमाने तय हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतिहास को आखिर लिखा क्यों गया है। जी हाँ, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इतिहास क्यों लिखा गया है और इसे क्यों पढ़ाया जाता है। तो इसका जवाब भी दरअसल हम खुद हैं। इंसान को अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते हमेशा से ही सबके बारे में सब कुछ जानना होता है, या यूं कहें कि इंसानी स्वभाव में जिज्ञासा एक अहम हिस्सा है, और इसी जिज्ञासा का नतीजा इंसान के शुरुआत से लेकर अब तक का इतिहास एक दस्तावेज की तरह हमारे सामने है। इसे ऐसे समझिए कि जब एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो उसकी समझ भी बढ़ रही होती है। वो अपने आसपास के बारे में जानने के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक होता है। कभी कभी तो बड़े भी उसके सवालों से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ये बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सामान्य उम्र और बुद्धि के इंसान में सब कुछ जान लेने की कितनी बड़ी इच्छा होती है। बस इसी जिज्ञासा और इच्छा शक्ति का नतीजा आज इतिहास के रूप में हमारे सामने है। दोस्तों अब जानते हैं कि इतिहास में कमियां क्या हैं। इतिहास आरोपों से परे नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया इतिहास पर आरोप लगने लगे कि ये एक तरफा है और इसमें सिर्फ जीतने वालों का जिक्र है, जो कि गलत है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इतिहास लिखने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और संसाधन पर तो अक्सर जीते हुए लोगों का कब्जा होता है। इसका उदाहरण दिया जाता है उन विजय गाथाओं को जो किसी संघर्ष में विजयी हुए लोग लिखवाते थे। आज कई मामलों में अतीत को जानने के सबूत के रूप में सिर्फ यही विजय गाथाएं ही मिल पाती हैं, जिससे दूसरे पक्ष का इतिहास हमेशा के लिए मिट जाता है। इस नजरिए से देखें तो इतिहास पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे चाहे तो अभी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे भारत में जिस भी पार्टी की सरकार होती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी विचारधारा के मुताबिक इतिहास से छेड़छाड़ करती है। ऐसे ही इतिहास पर व्यक्तिवादी का भी असर माना जाता है। इसे ऐसे समझें कि हर इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह से देखता है और उसी के हिसाब से उसके बारे में दूसरों को भी बताता है। इसका असर अक्सर इतिहास के कई प्रमाणों और लिखने के तरीकों पर भी पड़ता है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद इतिहास को जानना उतना ही सुकून देता है जितना खुद को जानना।
या यूं कहें कि खुद को ही जाने जैसा इतिहास है। हजारों लाखों साल पहले हम कैसे रहते थे, क्या करते थे, इंटरनेट के बिना भी इंसान का मन कैसे लगा रहता था, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर कैसे इंसान अपने 24 घंटे काटता रहा होगा। जरा सोच कर देखिए इन सवालों के जवाब कितने दिलचस्प हो सकते हैं। अपने रहने, खाने, उठने, बैठने, चलने, बोलने, लिखने, पढ़ने और वो सब चीज़ें जो आज हम करते हैं, उनका इतिहास जानना अपने आप को जानने से कुछ कम नहीं है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया ही हमारे जानने के हक पर कब्जा जमाता जा रहा है, इन्फोडेमिक दुनिया भर में फैल चुकी है, तब अपने और इतिहास को जानना कई बहसों, कई बेवजह के झगड़ों, बहुत सी गलतफहमियों से हमें बचाए रख सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अतीत से वाकिफ हों, अपने इतिहास से रूबरू हों, ताकि कल को हम आने वाले कल के फैसलों को अतीत की गलतियों से बचा सकें। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें आपने जाना इतिहास के बारे में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और सुनते रहिए अनबाउंड स्क्रिप्ट।